ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में स्थित एक स्कूल की। ये स्कूल एक बड़े से मैदान के बीच में था। हालांकि उस गांव में और भी स्कूल थे, लेकिन इस बॉयज़ स्कूल में हुई एक घटना के बाद गांव के लोग इस स्कूल के सामने से गुजरने से भी डरने लगे। उस स्कूल में 60 साल की एक शिक्षिका थी जिनका नाम था सावित्री। स्कूल में सभी उन्हें सावित्री मैम कहकर बुलाते थे। बस और 2 महीने बाकी थे उन्हें रिटायर होने में। स्कूल के सभी बच्चे सावित्री मैम से बहुत डरते थे क्योंकि वो थोड़ी सी साइको टाइप की थी और ना जाने क्यों वो ज़्यादातर समय गुस्से में रहती थी और छोटी छोटी बात पर वो स्टूडेंट्स को बहुत ही कठिन पनिशमेंट देती थी, इसलिए पूरे स्कूल के बच्चे उनसे ज़्यादा डरते थे। मैंने जो होमवर्क दिया था वो करके लाए हो तुम सबने? यस मैम। मैम होमवर्क दिखाओ तुम्हारा। वो मैडम होमवर्क नहीं हुआ है आज। सॉरी मैम, कल मैं होमवर्क करके लाऊंगा मैम। मैम सॉरी। निकल जाओ इस क्लासरूम से, चलो निकलो, नाला एक कहीं का। उनके डर से ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आते थे जिस दिन उनकी क्लास रहती थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को आना ही पड़ता था क्योंकि सावित्री मैम की क्लास ज़्यादा एब्सेंट करने पर वो उस सब्जेक्ट में फेल करवा देगी जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन सावित्री मैम 11वीं कक्षा के छात्रों की क्लास ले रही थी। ऐसा करने की हिम्मत किसने की? तुम बताओ ये कागज की बॉल मुझ पर किसने फेंकी? मुझे नहीं पता मैम। रमेश तुम बताओ ये किसने किया? मुझे भी नहीं पता मैम। अच्छा, किसी को कुछ नहीं पता? तुम सब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? स्कूल के सभी बच्चे मुझसे डरते हैं और इस क्लास में तुम सब ने मेरा मजाक उड़ाया, ये किसने किया बताओ? बहुत ज्यादा गुस्सा होने के कारण सावित्री मैम का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। मैम क्या हुआ आपको? क्या हुआ मैम? अरे कोई जाकर सर को बुलाओ। दरअसल उन्हें लगा था कि स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं और इसलिए वो उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी दिन से उस शिक्षिका की आत्मा उस स्कूल में भटकने लगी।
कुछ महीनों के बाद कुछ नए स्टूडेंट्स उस स्कूल में एडमिशन लेकर आते हैं। उन नए छात्रों में से एक था शुभम। किसी कारण शुभम ने अपना पुराना स्कूल छोड़कर इस स्कूल में आकर भर्ती हुआ था। सर मेरा तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है। क्या हुआ? वो मेरा सिर चकरा रहा है और तबीयत भी बहुत ख़राब लग रहा है। घर जा पाओगे अकेले? हाँ सर, बस अगर कुछ देर के लिए आराम कर लेता तो अच्छा लगता। ठीक है, दूसरे किसी खाली क्लासरूम में जाकर सो जाओ। जब तबीयत ठीक लगेगा तो घर चले जाना। ठीक है सर, थैंक यू। और तुम्हारा टाई कहाँ है? वो सर टाई पहनना भूल गया आज। कल से स्कूल यूनिफॉर्म ठीक से पहन कर आना। ओके सर। जाओ। उस दिन शुभम को बहुत तेज बुखार था, इसलिए उसे चक्कर आ रहा था। वो कुछ देर सोना चाहता था। शुभम अपना बैग लेता है और उस क्लासरूम से निकलकर किसी दूसरे खाली क्लासरूम में सोने के लिए जाने लगता है। शुभम ठीक उसी क्लासरूम के सामने आकर रुक जाता है जिस क्लासरूम में उस शिक्षिका की मौत हुई थी। शुभम देखता है कि वो क्लासरूम खाली था, इसलिए वो उस क्लासरूम के अंदर चला जाता है। शुभम उस बेंच पर जाता है सोने के लिए जिस बेंच के ऊपर पंखा चल रहा था। वो बैग पर सिर रखकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है। छुट्टी होते ही सभी लड़के और शिक्षक स्कूल से निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। उस स्कूल का एक केयरटेकर था जिसका नाम था अशोक। वो केयरटेकर उस स्कूल के ही एक ऑफिस रूम में रहता था। रोज स्कूल खत्म हो जाने के बाद अशोक सभी क्लासरूम में चेक करता था और दरवाजा बंद कर देता था। उस दिन भी वो सारे क्लासरूम में जाकर चेक कर रहा था कि सभी स्टूडेंट्स चले गए कि नहीं। और जब वो उस क्लासरूम में देखने जाता है जिसमें शुभम सो रहा था, तब वो केयरटेकर शुभम को देख नहीं पाता। और पंखा बंद करके क्लासरूम का दरवाजा बंद कर देता है। अशोक रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने के लिए जाता था और रात को होटल से खाना लेकर घर लौटता था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और अंधेरा होने लगा। कुछ देर बाद आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी और बारिश भी होने वाली थी। उस क्लासरूम के खिड़की से स्कूल के सामने लगे लाइट पोस्ट की हल्की रोशनी क्लासरूम के अंदर आ रही थी। शुभम बहुत देर तक सोता रहा। बिजली चमकने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। आंखें खोलते ही शुभम डर जाता है। उसने देखा कि शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था। वो दरवाजे की ओर दौड़ता है। दरवाजे पर धक्का देते ही उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। शुभम मदद मांगने के लिए खिड़की की तरफ जाता है। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बारिश के कारण बाहर कोई भी नहीं था। मैं स्कूल के अंदर हूँ, प्लीज गेट खोल दो।
अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। दोस्तों, शुभम के साथ अब क्या होने वाला है यह हम पार्ट टू में देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।